हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास कुमार, आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले क्लास में एसएससी का 2 पेज करवाया था और आपको पता है कि मैं 2 पेज करवाने से पहले 5-6 क्वेश्चन में खुद से पूछता हूं, उसके बाद करवाता हूं। तो मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का है, बताइएगा लीची का खाने का योग भाग कौन सा होता है। जो लीची खाते हैं ना, वो खाने का योग जो होता है, कौन सा भाग को खाते हैं? तो एरिल होता है, ठीक है। एरिल जो अंदर में होता है ना, व्हाइट व्हाइट एरिल, वो खाते हैं। अब जो नारियल होता है खाने का योग भाग, वो भूर्ण पोष खाते हैं नारियल का। और एक होता है आम खाते हैं, ठीक है। तो आम के खाने का योग होता है मध्य फल वित्ती होता है ना, बीच वाला, वो खाते हैं। और सेब को खाते हैं पूरा पुष्प पाषण, ठीक है, पुष्प पाषण खाते हैं। उसके बाद आप बताइएगा अगला क्वेश्चन, अस्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो अस्तनी जो दूध पिलाते हैं ये सब, अस्तनी यानी रहते हैं जो ऐसे रहते हैं, कितने रहते हैं? 4 रहते हैं, ठीक है। और जलीय जो जीव है उसमें 2 रहते हैं, जैसे मछली वगैरह। और उभयचर है जो पानी में भी रहता है और पृथ्वी थी ये स्थल में भी रहता है, वो उसमें 3 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। और मगरमच्छ में क्या होता है, अपवाद है, जो जल और स्थल दोनों में रहता है, इसमें 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा आप लोग अगला क्वेश्चन, ईईजी का संबंध किससे है? ईईजी होता है ना, तो ईईजी किस संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। ईईजी का जो संबंध है किससे है? मस्तिष्क से है। एक होता है ईसीजी, तो ईसीजी का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। ईईजी होता है इलेक्ट्रोसेल्फिलोग्राफ, ठीक ना, सेल्फिलोग्राफ। और ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ईसीजी, और ईईजी होता है इलेक्ट्रोसेल्फिलोग्राफ, ठीक है। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, बताइएगा कि कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? धातु जो होता है जो विद्युत का सुचालक होता है ना, मगर वो धातु है मगर फिर भी वो विद्युत का कुचालक है। तो हम ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को, पारा, शीशा, ग्रेफाइट, ब्रोमीन। तो कौन सा है? शीशा है, धातु रहते हुए भी विद्युत का कुचालक है। और पारा है ना, जो एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में रहता है, पारा एकमात्र ऐसा धातु है। अब ब्रोमीन है ना, ये भी द्रवावस्था में रहता है लेकिन यह धातु है। अब ग्रेफाइट एक है जो धातु रहते हुए भी विद्युत का सुचालक होते हैं। देखिए ग्रेफाइट अपवाद है भी, धातु रहते हुए भी विद्युत का सुचालक होते हैं। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन बताइएगा, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10^-15 मीटर होता है, ठीक है। और त्रिज्या बोलेगा 10^-10 मीटर, ठीक है, -10 मीटर त्रिज्या। और इसका जो आकार का होता है नाभिक का आकार 10^-15 मीटर। उसके बाद बताइएगा आप लोग, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो किसने किया था रेडियो सक्रियता की खोज? बैकरेल ने किया था। बैकरेल एक मैडम क्यूरी थी जो रेडियम की खोज किए थे, ठीक है। किसकी? रेडियम की खोज। आज का लास्ट मेरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं आप लोग, 3 है। कौन कौन है? प्रोटोनियम है, प्रोटियम है, ड्यूटियम है और टेटियम है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि ड्यूटियम को, जिसे भारी जल का निर्माण होता है ड्यूटियम से, ठीक है, जिसको बोलते हैं T2O। ओके फ्रेंड्स, आज का मेरा ये 5 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद मैं अपने टॉक भी बताता हूँ। मेरा आज का क्वेश्चन पहला देखिए क्या है, भारत में सबसे बड़ा तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर, जब इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ था ना, बाबर का प्रथम युद्ध उसी समय किए थे, ठीक है। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला रूपिन थे विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी तरल कौन प्रवेश किया था? अम्लीय होता है। समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन किसके द्वारा किया जाता है? समुद्र तल के सूक्ष्म हरे पादप द्वारा। अमेजनी वन कैसा वन है? शीतोष्ण सदाभार वन है। शिशुकाल किसके को सूत्र बंध जाता है? पिता के। ब्रायोफिल में विकायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? पत्ता। वयस्क का समान रक्तचाप कल बताए थे? 120/80, तो 120 ऊपर, तो सिस्टोलिक, जो शीर्ष पर होता है ऊपर सिस्टोलिक है, नीचे डायस्टोलिक। औसत वयस्क के लिए शरीर का रक्त कितना होता है? 5-6 लीटर होता है, ठीक है। औसत खून। शतरंज चेस का खेल कहाँ से हुआ था? उस्ताद पार्सिया से। द व्हाइट कैंसल नामक पुस्तक लिखी थी पूरन पामुक।
कनेक्टिंग इंडिया नाना, कनेक्टिंग इंडिया नाना किस ब्रांड या उत्पाद के संबंधित है? नोकिया। नोकिया संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। भारतीय संविधान में सुरजीत गैद केंद्र का संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। और जानते हैं कि प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समर्थित सूची भी लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद एक विधि कानून या ये सब संसदात्मक प्राणी सब किससे लिया गया? इंग्लैंड से। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारत संघ राज्यों की संख्या कितनी है? 7 है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नदी बांध सतलज यानी पंजाब में है। म्यांमार की मुद्रा क्या थे? सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। और भारत में लोक न्याय की पदवी के साथ कौन सा संबंध? जयप्रकाश नारायण। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला पहले व्यक्ति थे सी वी रमन। भौतिकी के क्षेत्र में मिला था जवान सी वी रमन को। ट्रांसवेरियन रेलवे के टर्मिनल सेंट पीटर्सबर्ग और व्लांडी वो स्टॉक। अवरक का सबसे बड़ा भंडार भारत है, जिसको मायका भी बोलते हैं अवरक को। सलवास में भंडारित उसमें क्या होता? गुप्त उष्मा विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोरिओलिस ने की थी। कंटूर वे काल्पनिक रेखा है जो दर्शाती है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र। भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान में है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को बोलते हैं दोआब। बिहार का विषाद कोसी नदी है। तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण है। महाखंड गर्ज काली मिट्टी का मुख्य फसल कपास के लिए होता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। भागीरथी और नर्मदा के संगम पर स्थित नगर है देवप्रयाग। उपराष्ट्रपति का पद रचित होता है राज्यसभा, ठीक है, अनुच्छेद 64 और 89 में बोला गया है। भारत में नागरिक के लिए निर्धारित मत देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होता है। और शासन की एकात्मक प्रणाली डेट राज्य से है जी। उसके बाद किस अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध का प्रभाव पड़ता है जी? क्या प्रभाव पड़ता है? प्रवर्तित रहता है। मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सा ग्रंथि करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर है जी? नील वेल। वहाँ मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? फ्रांसीसी क्रिक और जेम्स वाटसन ने। दृश्य छाप किससे बनती है? फोटोग्राफिक कैमरा से। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय? 8.3 मिनट। इसे बोलते हैं 8.16.7 और ये 56 सेकेंड इसे सेकेंड या 8 मिनट 16.5 सेकेंड इसे बोलते हैं। प्रसव तरंगों के लिए 20 हर्ट्ज से अधिक और अपसराब 20 हर्ट्ज से नीचे कम। और सुन सकते हैं कोई भी व्यक्ति 20 हर्ट्ज के बीच कोई व्यक्ति मनुष्य सुन सकता है। प्रकाश तंतुओं का प्रयोग किसके लिए किया था? संचार सेवा के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री के इच्छा रहने तक संभालेगा कौन? भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में वर्णित है। संसद में शामिल है राष्ट्रीय संसद में राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। राष्ट्रपति का निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना? न्यूनतम 35 वर्ष। लोकसभा के लिए कितना? लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है ना। यह निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा के अध्यक्ष। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष 1952 में कब हुआ था? 1952 में। मुख्यमंत्री नियुक्ति के लिए किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा होता है। जैसे राज्यपाल होता है राज्य के लिए, उसी होता है राष्ट्रपति केंद्र के लिए हेड। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसके आकार बहुत समान करते थे? हरि विजय। मारियल पैलेस कहाँ से थे? फतेहपुर सीकरी में। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे जी, दूसरा सिकंदर बोलते थे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, 1922 तक लास्ट हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खान। सुल्तान वंश की विस्थापन स्थायी सेना का भुगतान सीधा राज किया था किसने बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी बंदोबस्त ये सब किया, स्थायी सेना बनाया था, बाजार नियंत्रण किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित जिला? महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण किस वल्लभ शासक के शासन काल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। किस चोल राजा ने लंका को राजाधिप जीता था? राजाराज प्रथम। किस व्यापार संगठन कब हुआ था? 1955 में। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर में, चावल पश्चिम बंगाल। दूध उत्पादन में संसार में सबसे विश्व में सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा स्थान किसका है जी? किसका है? भारत का पहला स्थान है। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक करता? RBI। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
महालनोविस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से किया जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक वरिष्ठ छलांग कहा था? 1921 से 31। मांग पैदा करने के लिए जरूरत होती आय की, किसने कहा था? अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र धन विज्ञान है। आइटम अष्टमी, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत कौन था? सीमा कर। वायुमंडल में ओजोन हॉट्स होता है CFC के कारण। अमर वेल जिसे बोलते हैं कुछ कुटा है किसका? पूर्ण तना परजीवी का होता है। हृदय का क्या करता है? रुधिर को शरीर में विभिन्न अंगों को पंप करता है। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और इसका जो होता है काल 120 दिन होता है। और श्वेत रक्त कणिका का होता है जाके 3 से 4 दिन। विक्र का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? विक्राणु यानी नेफ्रॉन होता है। उसके बाद कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। एक्वावर्ड इम्यूनि डिफिशेंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं एड्स का पूर्ण नाम है, वायरस से होता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन टी सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तांबा प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में। तांबा को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? विद्युत अवघटन। कार्बन डाइऑक्साइड निर्जलीकरण है। किसी तत्व में परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान 36 से तेज करने के लिए घटा देंगे न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस 36 में से 17 घटाएंगे तो 19। उसके बाद मेरा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण का प्रयोग सूक्ष्म संधात्रों के द्वारा होता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज के द्वारा। शतरंज की कौन सी महिला भारतीय महिला खिलाड़ी ऐसी है जो सुपर ग्रैंड मास्टर तक पहुंचकर विश्व की दूसरी श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनती? कोनोरू हम्पी। CPU का पूर्ण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को है ना। और भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। और इसका क्या था? पेरिस था थी। द साइंस ऑफ द भरतनाट्यम पुस्तक लिखे थे सरोज वैद्यनाथन। शहद का प्रमुख अभियान फैक्टर से नारा दो बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो अभियान से है। सेवा सदन किसकी? प्रेमचंद्र की रचना है। WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। भारतीय संविधान में राजनीति के नीति निर्देशक तत्व का सीधा आयरलैंड से लिया गया। 36 से 51 अनुच्छेद। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडु में। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में, पहले थे 14, फिर हो गया 22 भाषा, ठीक है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रभुत्व वायुमंडल है रेडियो सब आयन मंडल। उसके बाद विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया था? उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन होया था। प्रबंधकों में निर्यातक पूर्ण भरण होता है, वेंट की चौड़ाई को बढ़ाता और शोर को घटाता है। उसके बाद पारदर्शी पेरिस्कोप का सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ताम्र के डिस्क में एक छेद, यदि एक डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घटेगा। वाहन चालक के लिए पश्च दिश दर्पण क्या होता है? उत्तर दर्पण के लिए देखने के लिए। वैश्लेषिक इंजन किसे बनाया था? चार्ल्स बेबेज बनाया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1955 से 64। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने निर्धारित अच्छा निधि में कौन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? अर्थशास्त्र में। और डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। लिंग ऑफ नेशनल लिंग की स्थापना 10 मई 1920 में। पद्मश्री का सम्मान पाने वाला सबसे पहले अभिनेत्री दीविका रानी। नायलोन का आविष्कार किस क्षेत्र संबंधित है? जी डॉक्टर वेल्स एच कैराथर्स से। सोडियम बेंजोइट का प्रमुख उपयोग होता है खाद्य पदार्थों के सर्जक। हीलियम एक तत्व है उच्चतम आयन ऊर्जा का, ठीक है। उसके बाद भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जन किसे कहते हैं? होमी जे भाभा का। उसके बाद आगे है राष्ट्रीय राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध चित्रकार है? नेपाल की मुद्रा रुपया है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। फ्रंटियर गांधी को बोलते हैं खान उदर खान का दर्जा जाता है। संयुक्त राज्य का पहला महासचिव ट्रिगवेली। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल पथ और कालगो लाइस निश और शिष्ट कैसे शैल के अंतरिक्ष क्षेत्र है? वायु की क्षेत्रीय गति होने वाले ऊष्मा का अंतरण क्या होता है? विभवन होता है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील। वायुमंडल में सबसे ऊपरी स्तरों में विद्यमान जो उपस्थित करते हैं पैराग्लाइडिंग और विकिरण का। भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? महानदी पर। बहुउद्देशीय कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहता है? कोसी सबसे अधिक मार्ग बदलती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। मिली पश्चिमी घाट पर्वत माला का दूसरा नाम है सह्याद्री पर्वत। बादल वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं? अपने अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मेरा आज का ये 2 पेज हो गया। उसके बाद मैं अगले क्लास में 2 पेज पढ़ूंगा। ओके धन्यवाद।